लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जोगो और हनामी नॉर्मल लोगों को कैद करने की कोशिश करने लगते हैं और उन्हें चारा बना के गोजो पर हमला कर देते हैं, पर गोजो फिर भी उनके हाथों में नहीं आता। और तब यहाँ गोजो कहता है, तुम लोग यहाँ हो, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो, ये हमारी थर्ड मीटिंग है, पर फिर भी तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरी डिसरिस्पेक्ट की, चलो फिर पहले मैं तुम्हें मारूंगा, और उन दोनों के पास चला जाता है। और तब हम देखते हैं जोगो और हनामी गोजो पर हमला कर देते हैं, और तब गोजो हनामी के हमले से बचते हुए जोगो का हाथ मरोड़ के उखाड़ देता है, और तब वो हनामी को लात मार के दूर फेंक देता है और जोगो को भी उठाकर पटक देता है। और तब हनामी सोचता है, क्या ये अपने दिमाग से हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, और अब तो इस बंदे ने अपनी लिमिटलेस कर्स टेक्निक को भी हटा दिया है, अब ये अपने कर्स एनर्जी में भी छोटे मोटे चेंजेस नहीं कर रहा है, तो क्या इसका मतलब ये इतने बड़े क्राउड में अपनी फुल एनर्जी से हमला करेगा। तो अगर ऐसी बात है तो हमें भी क्राउड में छुपने की जरूरत नहीं है, हम भी अपनी फुल पावर से लड़ सकते हैं। और तब वो गोजो पर हमला कर देता है, और तभी हम देखते हैं गोजो हनामी के वीक पॉइंट मतलब कि उसके सींगों को उखाड़ देता है और कहता है, जैसे कि मैंने सोचा था, तुम अपनी एम्पलीफिकेशन और इनेट टेक्निक को एक टाइम पर यूज नहीं कर सकते। तब जोगो सोचता है, मैं अभी तक इसलिए सुरक्षित हूँ क्योंकि मैंने अपनी एम्पलीफिकेशन टेक्निक को एक्टिवेट कर रखा है, और वो पहले ही कर्स एनर्जी मैनिपुलेशन और फिजिकल टेक्निक में पहले से ही स्ट्रांग है। गोजो सातुरो, क्या कोई ऐसी भी चीज है जो तुम नहीं कर सकते? और तब हम देखते हैं चोसो वहाँ आ जाता है। तब गोजो सोचता है, ये बंदा तो कर्स स्पिरिट नहीं है, ये पक्का कोई डेथ पेंटिंग है जिसकी फिजिकल बॉडी है, तो मैं इससे बाद में निपटूंगा। और तब जोगो और हनामी गोजो के मुक्का मारने लगते हैं। तब गोजो कहता है, क्या ये तुम्हारे लिए ठीक है? तुम जितनी ज्यादा अपनी एम्पलीफिकेशन टेक्निक को मेरी टेक्निक को न्यूट्रलाइज करने में लगाओगे, मैं उतनी पावरफुल टेक्निक से इसे बचाऊंगा। और तब हम देखते हैं गोजो अपनी टेक्निक को इंक्रीज कर देता है और हनामी दीवार की तरफ प्रेस होने लगता है, और जोगो कुछ भी नहीं कर पा रहा होता। और तभी हम देखते हैं हनामी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, और तब हमें गेटो का प्लान बताया जाता है, जहाँ गेटो कहता है, प्रिज्म रेल्म एक बैरियर है, ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे प्रिज्म रेल्म सील ना कर सके। तब जोगो कहता है, क्या इसमें कोई कंडीशन नहीं है? तब गेटो कहता है, जब प्रिज्म रेल्म का गेट खुलता है तब उस सील का इफेक्टिव रेंज 4 मीटर्स होता है, तो इसलिए हमें गोजो सातुरो को 1 मिनट तक उसी रेंज के अंदर रखना होगा। तब जोगो गुस्से में कहता है, क्या तुम जलना चाहते हो? तुम हमें एक अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कह रहे हो, तो क्या इसलिए तुम हमारे साथ काम कर रहे हो ताकि तुम उसे वहाँ 1 मिनट तक रुका सको? चाहे तुम 1000 लोगों की बलि ही क्यों ना दे दो, पर फिर भी ये काम बहुत मुश्किल है। और यहाँ हम देखते हैं जोगो गोजो से डरकर भाग रहा होता है और सोचता है, मैं हनामी की मौत को जाया नहीं होने दे सकता, मुझे किसी भी तरह इस भीड़ में छुपना होगा। और वो लोगों को गोजो के ऊपर फेंकने लगता है और कहता है, चोसो अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो पहले मैं तुम्हें मार डालूंगा। और तब चोसो अपनी टेक्निक से गोजो पर हमला कर देता है, पर गोजो की इन्फिनिटी टेक्निक की वजह से वो उसे नहीं छू पाता। तब गोजो सोचता है वो मुझसे दूर रहने की कोशिश कर रहा है, पर लगता है वो भी थकने वाला है। जो लोग कर स्पिरिट्स नहीं देख सकते वो मुझसे दूर जाने की कोशिश करेंगे, और अगर लोग कम हुए तो मैं उस वोल्केनो हेड को जल्दी पकड़ पाऊंगा। लगता है मैं उसे अपनी तरफ नहीं ला सकता क्योंकि उसने पहले ही नोटिस कर लिया है कि मैं उसके पास जाकर उसे मारना चाहता हूँ, और अगर उसने उस डेथ पेंटिंग की मदद से लोगों पर हमला कर दिया तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, तो इसलिए मुझे माफ कर देना, मैं सबको नहीं बचा सकता पर मैं इन सभी कर्स स्पिरिट्स को जरूर मार सकता हूँ। तब यहाँ जोगो सोचता है, अब तो 20 मिनट भी गुजर चुके हैं, क्या अभी तक भी वो तैयार नहीं है? और यहाँ गेटो कहता है, गोजो सातुरो अभी भी शांत है, तुम्हें उससे और भी ज्यादा गुस्सा दिलाना होगा। और यहाँ हम देखते हैं जैसे ही इटाडोरी एक लड़की के पास जाता है वो लड़की कर्स स्पिरिट में कन्वर्ट हो जाती है, और तब हम यहाँ देखते हैं स्टेशन पर एक ट्रेन आ जाती है जिसके अंदर ह्यूमन ट्रांसफॉर्म्ड स्पिरिट्स होते हैं, और वो बाहर आकर लोगों पर हमला कर देते हैं, और तब वहाँ माहितो भी आ जाता है, और तब जोगो उसे हनामी की मौत के बारे में बताता है, और तब माहितो गोजो पर हमला कर देता है, पर गोजो की इन्फिनिटी टेक्निक की वजह से वो उसे नहीं छू पाता। तब गोजो सोचता है, क्या ये वही पर्सन है जिसके बारे में हनामी ने बात की थी? और तब गोजो माहितो पर हमला कर देता है, पर माहितो उसके हमले को डॉज कर देता है और कहता है, चलो मैं तुम्हें ह्यूमंस के बारे में एक बेकार सी चीज बताता हूँ कि ये बहुत ज्यादा है। और तब हम देखते हैं वहाँ बहुत सारे ह्यूमंस ऊपर से गिरने लगते हैं। तब गोजो सोचता है, क्या यहाँ ऊपर भी कोई कर्स स्पिरिट या फिर कर्स यूजर है? और तब हम देखते हैं माहितो और चोसो सारे ह्यूमंस को मारना शुरू कर देते हैं, और तब माहितो सोचता है,
है? मैं जानता हूँ कि सातुरो गोजो इटाडोरी से अलग है, वो उससे काफी ज्यादा खतरनाक है। गोजो हमें मारने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, पर इतने सारे लोगों के मरने पर उसके दिमाग का बैलेंस भी हिल जाएगा। तब जोगो सोचता है, तो अब तुम क्या करोगे? क्या तुम इनफाइनाइट वॉइड यूज करोगे? क्योंकि तभी तुम उन लोगों को बचा सकते हो जो कि डोमेन से बाहर होंगे। पर अब तो तुम ये भी नहीं कर सकते, क्योंकि इससे तो तुम बहुत सारे लोगों को मार डालोगे। और तभी हम देखते हैं गोजो अपने इन्फिनिटी वॉइड डोमेन को एक्टिवेट कर देता है। और तब हमें बताया जाता है कि गोजो ने 0.2 सेकंड की डोमेन एक्सपेंशन की है, और ये उसने खुद सेट की है ताकि उसकी डोमेन से नॉन सोर्सर्स को नुकसान ना पहुंचे। और इन 0.2 सेकंड्स में हाफ ईयर की इंफॉर्मेशन नॉन सोर्सर्स के दिमाग में डाल दी जाएगी और ये सभी लोग अनकॉन्शियस रहेंगे। पर जो 5th फ्लोर के सर्वाइवर्स होंगे वो 2 महीने में सोसाइटी में वापस जा पाएंगे और इस लेवल की अल्टीमेट वॉइड कुछ स्पेशल ग्रेट कर्स स्पिरिट्स को उठा दे। और तब हम देखते हैं गोजो उन ट्रांसफॉर्म्ड ह्यूमंस को अपनी फुल स्पीड से 299 सेकंड्स में उन सभी को मार देता है और अपनी डोमेन को हटा देता है। और तब गेटो प्रिज्म रेल्म को एक्टिवेट कर देता है और तब गेटो गोजो के सामने आ जाता है। तब गोजो सोचता है, क्या ये फेक है या फिर किसी तरह की ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक है, और ये तो सच में वही लग रहा है। और गोजो को अपना पूरा पास याद आने लगता है। तब गेटो कहता है, गोजो लड़ाई में ध्यान देना चाहिए, नहीं तो ऐसी बैटल्स में नुकसान भी हो सकता है। और तब गोजो सोचता है, मैं अपने अंदर कर्स एनर्जी फील नहीं कर पा रहा हूँ और ना ही अपनी स्ट्रेंथ को इकट्ठी कर पा रहा हूँ, क्या मैं हार चुका हूँ? और कहता है, आखिरकार तुम कौन हो? तब गेटो कहता है, मैं सुगुरो गेटो हूँ, क्या तुम मुझे भूल गए? तब गोजो कहता है, मेरी 6 आई टेक्निक के अकॉर्डिंग तो तुम गेटो ही हो, पर मेरी आत्मा इससे स्वीकार नहीं कर रही। मुझे सच सच बताओ, तुम आखिरकार हो कौन? और तब गेटो अपना दिमाग खोल देता है और कहता है, आखिरकार तुम ये सब कुछ कैसे बता सकते हो? इस टेक्निक की मदद से कोई भी बॉडी रिप्लेस की जा सकती है जब तक उसका दिमाग ट्रांसफर किया जा सके, और मैं ऐसी टेक्निक भी यूज कर सकता हूँ जो कि सीधा बॉडी पर काम करे, और मैंने उसी की मदद से उसकी कर्स मैनिपुलेशन टेक्निक को यूज किया है और इस सिचुएशन को क्रिएट किया है। अगर मैं सही हूँ तो तुमने शोको को गेटो की बॉडी को डिस्ट्रॉय करने के लिए नहीं कहा था, जिसकी वजह से मुझे ये बॉडी बड़ी आसानी से मिल गई। और चिंता मत करो, ये सील कभी न कभी तो हटी जाएगी, जैसे कि शायद 100 या फिर 1000 सालों में। तुम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, तो इसलिए तुम मेरे गोल के रास्ते में आते रहोगे। तब गोजो कहता है, पर क्या तुम्हें याद नहीं है मेरे मारने से पहले तुम्हारी बॉडी को किसने हराया था? तब गेटो कहता है, मुझे याद है, वो यूटा अकोत्सु था, पर मुझे उस लड़के के आसपास कुछ खतरनाक फील नहीं हुआ। उसकी अनकंडीशनल टेक्निक की इमिटेशन और उसकी इनफाइनाइट कर्स एनर्जी दोनों उसकी वजह से थी जिससे वो प्यार करता था। और ये कितनी बुरी बात है कि यूटा तुम्हारे जैसा नहीं हो सकता। तो गुड नाइट गोजो सातुरो, अब हम न्यू वर्ल्ड में मिलेंगे। और तब इटाडोरी को मैकामारू की आवाज़ सुनाई देती है जो कि उससे कहता है, ध्यान से सुनो, मैं एक ही बार कहूँगा, गोजो सातुरो को सील कर दिया गया है। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब अगर आपको ये वाला एपिसोड अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर करना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इससे ना हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम ना आपके लिए ऐसा ही अमेजिंग कंटेंट ला सके। बाकी नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।